प्लैंक एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इससे हमारा फैट लॉस तो होता ही है, साथ ही हमारी कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जो हमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी मजबूती देती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्लैंक एक्सरसाइज से आपकी बॉडी की हर एक मसल टारगेट हो, तब आपको प्लैंक में वेरिएशन करते हुए अलग अलग तरह की प्लैंक एक्सरसाइज लगानी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपनी होल बॉडी को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ प्लैंक एक्सरसाइजेस के बारे में। नंबर वन, प्लैंक रीच। दोस्तों, प्लैंक रीच एक कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज है, जो कि हमारी एब्स के साथ साथ हमारी लोअर बैक, ऑब्लिक्स और शोल्डर को भी टारगेट करती है, और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग अपने वर्कआउट में इस एक्सरसाइज को शामिल करते हैं। इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एल्बोस के बल पर रेगुलर प्लैंक पोजीशन में आना होगा, जिसके बाद इसी तरह होल्ड करते हुए आपको बारी बारी एक एक हाथ को आगे की तरफ खींचते हुए अपने सिर के पैरेलल खोलना होगा। प्लैंक वाइपर एक्सरसाइज को भी एब्स के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर माना जाता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज सीधा आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल यानी के सिक्स पैक मसल्स को टारगेट करती है, जिससे आपके एब्स टोन होते हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना बहुत ही आसान है, बस इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एल्बोस के बल पर रेगुलर प्लैंक पोजिशन में आना होगा, जिसके बाद कोर को टाइट करते हुए आपको अपने दोनों पैरों से साइडवेज 90 डिग्री एंगल क्रिएट करना होगा, जिससे आपके एब्स तो ट्रेन होंगे ही, साथ ही आपका कोर भी मजबूत होगा। नंबर थ्री, डॉल्फिन प्लैंक। डॉल्फिन प्लैंक एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, क्योंकि ये सिर्फ एक मसल तो नहीं बल्कि कई मसल्स को टारगेट करती है, जिस वजह से एडवांस लेवल पर पहुंच गए बहुत से लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, इसे लगाने के लिए आपको अपनी एल्बोस के बल पर रेगुलर प्लैंक पोजीशन में आते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ खींचते हुए अपने शरीर से एक वी शेप क्रिएट करना होगा, और जैसे ही ये शेप क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने कोर को टाइट करते हुए पूरी बॉडी को आगे की तरफ लीन करना होगा। इसी तरह से 5 से 8 रेप्स लगा लेने पर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, जिसके बाद आपकी आर्म्स, लेग्स, कोर, एब्डोमेन, चेस्ट और लोअर बैक की मसल्स मजबूत होंगी। नंबर 4, प्लैंक क्रंच। दोस्तों, प्लैंक क्रंच को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको रेगुलर प्लैंक पोजीशन में आना होगा, उसके बाद आप अपनी थाइस और हिप्स को हल्का सा स्क्वीज करके आपको अपनी अपर बॉडी और नेक से इनवर्ड क्रंच लगाकर बॉडी को फिर से रिलीज करना होगा, जिसके साथ ही ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। इसके 8 से 10 रेप्स बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं, क्योंकि इन्हें लगाने के दौरान आपकी नेक, बैक, शोल्डर्स और एब्डोमेन की मसल्स एंगेज होती है, जिनसे आपका कोर मजबूत होता है, और कोर के मजबूत होने से आपके शरीर का बैलेंस और मोबिलिटी इंक्रीज होती है। नंबर 5, चतुरंगा प्लैंक। चतुरंगा प्लैंक एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आमतौर पर भारत में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को भारत में किए जाने वाले योग से लिया गया है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पाम्स के बल पर पुशअप के पोजीशन में आना होगा, जिसके बाद आपको अपनी टोस का इस्तेमाल करते हुए और आर्म्स को बैंड करते हुए आगे की तरफ झुकना होगा, और जमीन से थोड़ा सा ऊपर कम से कम 1 मिनट तक ठहरना होगा, जिसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस एक्सरसाइज से आपके शरीर की विभिन्न मसल्स टारगेट होंगे, साथ ही आपका कोर भी मजबूत होगा। इतना ही नहीं, इस एक्सरसाइज से आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और आपका पोस्चर भी सुधरेगा। नंबर 6, 90 डिग्री बर्ड डॉग प्लैंक। 90 डिग्री बर्ड डॉग प्लैंक एक सिंपल कोर एक्सरसाइज है, जिससे आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी और लोअर बैक का दर्द तो ठीक होता ही है, साथ ही आपके हिप्स, कोर और बैक मसल्स भी मजबूत होती हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज नाम से जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हुए एक पैर और एक हाथ को लिफ्ट करना होता है। इसकी शुरुआत डॉग पोजीशन से होती है, यानी कि आपको अपनी हथेली और नीज के बल पर डॉग पोजीशन में खड़ा होना होता है, जिसके बाद एक एक करके अपने राइट लेग और लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग और राइट आर्म को एक साथ फॉरवर्डली स्ट्रेच करके करीब 8 से 20 रेप्स लगाने पर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नंबर 7, फिंगर टिप प्लैंक। फिंगर टिप प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे बहुत ही कम लोग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इस एक्सरसाइज के बारे में मालूम ही नहीं होता। इस एक्सरसाइज से आपके शरीर को डबल फायदा होता है, क्योंकि इससे आपकी शोल्डर और फोर आर्म मसल्स तो टारगेट होती ही हैं, साथ ही आपका कोर भी मजबूत होता है।
वेल, इसे परफॉर्म करने के लिए आपको अपने हाथों की फिंगर्स के बल पर अपनी अपर बॉडी को होल्ड करना होता है, साथ ही अपनी टोस के बल पर अपनी लोअर बॉडी को होल्ड करना होता है, जिसके साथ ही इस एक्सरसाइज का अंत हो जाता है। नंबर 8, साइड प्लैंक हिप डिप। साइड प्लैंक हिप डिप एक्सरसाइज एल्बो प्लैंक का मॉडिफाइड वर्जन है, जिसे आपकी एब्स, ऑब्लिक्स और लोअर बैक की मसल्स को मजबूत होती ही है, साथ ही आपकी कमर का फैट भी कम होता है। इसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एक एल्बो और टो के बल पर साइड प्लैंक पोजीशन में आना होगा, जिसके बाद अपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट करके नीचे जमीन से टच करते हुए दोनों तरफ से कम 8 रेप्स लगा लेने के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, जिससे आपके कोर को भी मजबूती मिलेगी। नंबर 9, प्लैंक पिस्टन्स। प्लैंक पिस्टन्स को प्लैंक एक्सरसाइजेस का सबसे कठिन वेरिएंट माना जाता है, क्योंकि इसे परफॉर्म करने की दम सिर्फ एडवांस लेवल पर पहुंच चुके लोग ही दिखा पाते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के दौरान रैपिड अल्टरनेटिंग मोशंस की जरूरत होती है, साथ ही इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए पड़ती है, जिससे आपका कोर तो मजबूत होता ही है, साथ ही आपके अपर और लोअर एब्स टोन होते हैं। नंबर 10, प्लैंक स्विच। प्लैंक स्विच एक्सरसाइज की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको फोर आर्म प्लैंक पोजीशन में आना होगा, जिसके बाद आप अपना वेट एक साइड पर शिफ्ट करते हुए आपको अपनी आर्म ऊपर की तरफ लिफ्ट करनी होगी और अपनी एल्बो को अप स्ट्रेट पॉइंट करना होगा। दोस्तों, याद रहे कि इस दौरान आपका अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल हो, क्योंकि एक तरफ से ऐसा कर लेने के बाद आपको तुरंत ही दूसरी साइड से भी इसी को दोहराना होगा, जिसके बाद कम से कम 8 रेप्स लगा लेने पर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, जिससे आपकी कोर, ग्लूट्स, आर्म, रिस्ट और शोल्डर की मसल्स मजबूत।